भारत के लिहाज से देखें तो SCO समिट में तीन बड़ी बातें हुई हैं। जिस मुलाकात पर अमेरिका की नजर थी वो मुलाकात एक घंटे से ज्यादा चली है। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह से दुनिया दो भागों में बटी हुई है उसमें मोदी और पुतिन की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दूसरी बड़ी बात, अगले साल भारत SCO समिट की अध्यक्षता करेगा और चीन ने इसका समर्थन किया है, और उससे भी बड़ी बात यह कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी है। भारत के लिहाज से तीसरी बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर रही। एक तरफ जहां पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती चर्चा में रही, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO के मंच से आज पाकिस्तान का नाम लिए बिना कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए सभी देशों के बीच ट्रांजिट अधिकार जरूरी है। और सबसे बड़ी खबर ये कि भारत के इस प्रस्ताव को SCO में स्वीकार कर लिया गया। असल में जब अफगानी लोगों के लिए भारत ने गेहूं भेजने की पेशकश की थी, तब पाकिस्तान ने भारतीय ट्रकों को अपने बॉर्डर से लंबे समय तक नहीं जाने दिया था। पाकिस्तानी पीएम से मोदी की मुलाकात भी नहीं हुई। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।